थोड़े चम्मच ऑयल डाला और साथ ही मैंने चने की दाल डाल दी इसमें कच्ची। तो कच्ची जो चने की दाल है वो आप इस तरीके से थोड़ा से पहले रोस्ट कर लीजिए, आप चाहो तो रोस्टेड वाली भी कच्ची चने की दाल डाल सकते हो, ठीक है जी। फिर साथ ही में मैंने डाल दी है यहाँ पे हींग, मैंने 1 चम्मच चने की दाल डाली है, 2-3 पिंच मैंने हींग डाली है क्योंकि ये स्ट्रांग वाली है, तो स्ट्रांग वाली जो हींग होती है ना वो थोड़ी ज़्यादा तेज होती है, तो कम यूज़ करिएगा। आपकी जिस तरीके की हींग हो आप उस तरीके इस्तेमाल करें। अब मैं थोड़ा सा इसमें लहसुन यूज़ कर रही हूँ, ठीक है, साथ ही डाल देंगे थोड़ा सा प्याज। अगर आप लहसुन प्याज नहीं खाना पसंद करते हैं तो स्किप कर दीजिए। साथ ही डाल रही हूँ मैं यहाँ पे नारियल, ये कच्चा नारियल है, आप मतलब सूखा जो नारियल होता है वो भी यूज़ कर सकते हैं। और मैंने यहाँ पे 2 हरी मिर्च यूज़ की है, आप लाल वाली तीखी मिर्च भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है जी। अब हम इसमें इसको चला देंगे, तो इसको चलाते हुए बस हमें थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट होने तक ये प्याज और ये जो लहसुन है इसको थोड़ा सा भूनना है। चने की दाल थोड़ा अगर कच्ची यूज़ करें तो आप थोड़ा रोस्ट कर लीजिए, देखिए इस तरीके की मैंने कर दी है, और रोस्टेड डाल रहे हैं तो आपको बिल्कुल भी इसको रोस्ट करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि वो साथ के साथ पक जाएगी, ठीक है जी। अब मैंने इसमें कच्चा नारियल डाला, तो आप चाहो तो कद्दूकस करके सूखा नारियल भी डाल सकते हो। तो जैसे ये थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट हो जाएगा हम इसमें डाल देंगे टमाटर, थोड़ा सा पकने देंगे इसको। अगर आपका वीडियो पसंद आए यूज़फुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड फिर सब्सक्राइब करें। अब ये थोड़ा सा पक गया, अब हम साथ ही डाल देंगे यहाँ पे टमाटर। टमाटर ये मैंने 5 बड़े साइज के टमाटर लिए हुए हैं, तो ये तकरीबन क्वांटिटी में होंगे 350 ग्राम ये टमाटर हैं, ये मैंने डाल दिए। आप क्वान्टिटी अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं टमाटर की, ठीक है जी। इस तरीके से इसको पका लेंगे और साथ ही में इसमें डाल देंगे थोड़ा सा स्वाद अनुसार नमक, ठीक है जी, स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। थोड़ी सी काश्मीरी मिर्च यूज़ करेंगे इसमें थोड़ा कलर के लिए, तो आप चाहो तो सूखी वाली काश्मीरी मिर्च यूज़ कर सकते हो, नहीं तो तीखी खाना पसंद हो तीखी वाली यूज़ कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि मैंने इसमें हरी मिर्ची भी यूज़ की है तो ये मैं काश्मीरी मिर्च यूज़ कर रही हूँ इसमें। अब बस इसको हमें थोड़ा सा पका लेना है। अब साथ ही में मैं डाल दूँगी हरी ये डंडी है धनिया की, तो ये भी डाल देंगे क्योंकि ये भी इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। ये मैंने धनिया धनिया यूज़ कर लिया, हरी डंडी मैंने इस तरीके से इसमें यूज़ कर रही हूँ। अच्छा, ये डंडी आप जैसे मार्केट से खरीद के लाते हैं ना धनिया, तो वो धनिया गमले में भी उगा सकते हैं, उसका वीडियो मैं शेयर करूँगी आपके साथ। तो मैंने धनिया तोड़ लिया, उसकी वो जड़ रखी हुई है मैंने, उसका वीडियो मैं शेयर करूँगी आपके साथ। तो अभी जो आप चेकिंग करें ये वीडियो शेयर करें, उसको आप ज़रूर देखिएगा। इसको हमने आप इसमें इमली भी यूज़ कर सकते हो, नींबू भी यूज़ कर सकते हो, तो मैं थोड़ा सा इमली यूज़ करूँगी इसमें। तो मैं ये थोड़ा सा 1 इंच ये मैं इमली का टुकड़ा डाल रही हूँ। आप नींबू भी यूज़ कर सकते हैं, नींबू इमली नहीं है तो आमचूर यूज़ कर सकते हैं। ये चटनी का कॉम्बिनेशन डोसे के साथ, इडली के साथ, बड़े के साथ, उत्पम के साथ खा सकते हैं, पूरी पराठे के साथ आप उसको खा सकते हैं, रोटी के साथ इंजॉय कर सकते हैं, बहुत अच्छी लगेगी ये चटनी। इसको बना के 15 दिन फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं, ये बना के रख लीजिए, ठंडी होने के बाद स्टोर करें इसको, ठीक है जी। ऐसे गरम गरम स्टोर ना करें, ठंडी होने के बाद स्टोर कर लें। अब इसमें हमने कोई पानी वगैरह नहीं यूज़ किया है, आप चाहो तो हल्का सा पानी का छिड़का दे सकते हो। तो ये मैं 2 चम्मच पानी डालूँगी ताकि ये टमाटर हमारे जल्दी से गल जाए। तो मैं ये 2 चम्मच पानी डाल रही हूँ ताकि ये टमाटर जो है जल्दी से गल जाए, और इसको हम ठंडा करके फिर हम पीस लेंगे। जैसे ही थोड़ा सा टमाटर सॉफ्ट हो जाएगा ठंडा करके हमने इसको मिक्सी जार में पीस लेना है। आप सिलवट्टा हो सिलौटी हो जिससे कलवट्टे में किसी में भी इसको पीस सकते हो। आप इसको ढक के ओपन करके जैसे चाहो पका सकते हो, इसको पका लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये टमाटर और प्याज अच्छे से भुन चुका है, साथ में नारियल भी है, और ये अब हम इस गैस का फ्लेम ऑफ कर रहे हैं, ठंडा करके इसको पीस लेंगे। और फटाफट से यहाँ पर एक तड़का बनाते हैं। तड़के में मैंने ये डाला हुआ है पैन में, थोड़ा सा ऑयल डाला हुआ है, ठीक है जी। साथ ही में मैं डाल रही हूँ यहाँ पे राई, सफ़ेद तिल, लाल मिर्च और करी पत्ता। जब डालेंगे इसका फ्लेम आप बंद कर दें, ठीक है जी। ये तड़का हमारा तैयार हो गया। तो लीजिए, ये दोनों चटनी हमारे ये चटनी बनके तैयार है। तो ये इसमें एक आप तड़के वाली इस तरीके से बना सकते हैं जैसे मैंने तड़का है इसमें। चलिए तड़का लगा देते हैं पहले। तो ये तड़का जो बनाया था वो मैंने इसमें डाल दिया। आप चाहो तो तड़के वाली भी बना सकते हो, आप चाहो तो इस तरीके से भी खा सकते हो। तो फ्रेंड्स, अगर आपको आज का वीडियो पसंद आए यूज़फुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड फ्री सब्सक्राइब ज़रूर करें। मेरी और भी रेसिपी देखने के लिए, मेरी नई रेसिपी देखने के लिए प्लेलिस्ट मेरी चेक करें। वीडियो पसंद आए तो चैनल को फ्री सब्सक्राइब ज़रूर करें, चैनल के साथ जुड़े रहें, चैनल को फ्री सब्सक्राइब करके मिलते हैं नई रेसिपी के साथ।
थैंक यू।